the count of three, two, one. हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिग 390 नेकेड, माय न्यू ब्लॉग. तो गाइस, ब्लॉग यहाँ स्टार्ट हो चुका है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. हस्कवर्ना की 401 लॉन्च हो चुका है. ग्लोबली लॉन्च पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी मुंबई में KTM के शोरूम में लॉन्च हो रहा है, तो देखने के लिए मिलेगा अपने को. टेस्ट राइड वगैरह नहीं ले सकते हैं. 401 गाइस, काफ़ी मस्त मस्कुलर दिख रही है वो बाइक. 401 सीसी का है हस्कवर्ना की. तो चलो देखते हैं क्या ही ज़बरदस्त होने वाला है. तो उसका रिव्यू करेंगे अपन, अनवील करेंगे और उसका प्राइस देखेंगे. और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो 6 बजे का टाइमिंग था वहाँ पहुँचने का, 6 तो अभी बज रहा है मुझे रास्ते में ही. तो यहाँ से अभी 15 से 20 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने के लिए अंधेरी. तो फटाफट भगाते गाड़ी. गाइस, फाइनली अपन पहुँच गए KTM अंधेरी शोरूम. चलो अंदर देखते हैं फटाफट जाके और कौन कौन आया है. अरे भाई साहब, तो ढका हुआ अभी तक कोई भी नहीं आया है. दो बाइक है हस्कवर्ना की, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर. तो ये अनवील होगा. टाइम क्या हो गया? 6:30, अभी तक कोई भी नहीं आया है. तो अपन ही पहुंच गए पहले. चलो, आने के बाद अनवील होता है, फिर देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, क्या है और गाड़ी कैसी होने वाली है. मैं इसको ऑन करके आप लोग को दिखाता हूँ. तो ये ऐसा रहने वाला है.
और इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो ये फ्लैश लाइट चालू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी देके रखा है यहाँ पे। ये सेम 390 के जैसा ही है, सेम आपको स्विच मिलने वाला है और साइड स्टैंड पे ये ऐसा दिखने वाला है। ये TFT है, इसको ऑफ करते हैं हम लोग पहले, अभी ऑन करते हैं। तो एच हॉस करने का बैचेस मिल रहा है यहाँ पे आपको, न्यूट्रल रहा काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। ये 390 और 250 में सेम आया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और उसको आपको साउंड सुनाता हूँ यहाँ पे मैं। सबसे पहले काफ़ी बढ़िया साउंड है और 401 यहाँ पे लिखा और येलो का ये बैचेस है। तो अभी शोरूम में हम लोग तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब जो माइनस में रखेंगे, जैसे मेरे 390 में है एडवेंचर में, वो सेम इसमें भी दिया है रिबॉन, ये देखिए। अभी ये मैं इसको माइनस में कर देता हूँ, ये माइनस में कर दिया मैंने, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और इसको प्लस में करूँगा तो हार्ड हो जाएगा। और इसके अंदर जो दिया है वो व्हील नहीं दिया हुआ है, इसके अंदर दिया है रिम शॉर्ट पिलियन 401, क्या ही लग रहा है। जब सेम 390 KTM ही है जो इसके ऊपर हस्कोरना खाली ब्रांड डाल दिया है, और बाकी ऊपर का सब चेंजेस है, बाकी तो सब सेम है, टायर चेंजेस है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी आप लोग को मैं दिखाई देता हूँ। देखिए सेम KTM में है जो इसका शॉकअप है, और ये है शॉर्ट विट पिलियन 250, इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर व्हील दिया हुआ है और MRF का टायर है, ये ऐसा दिखने वाला है। इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ पे देखिए स्विच जो है सेम 250, और यहाँ पे भी ये ऐसा दिखने वाला है फ्रंट से, ये देखिए। तो ये भी ड्यूक सेम 250 बैचेस यहाँ पे हस्कोरना का, और यहाँ पे जो दिया है ये भी हस्कोरना का जो इंजन है वो चेंजेस है, बाकी ये 250 ड्यूक में दिया है वो सेम है। यहाँ पे भी ड्यूक 250 में दिया है ये शॉकअप, वो सेम है, और यहाँ पे 250 लिखा हुआ है। और ये वाइट और येलो गजब लग रहा है, गाड़ी सही है, अच्छी है, शॉर्ट है, अच्छी दिख रही है। गाइज आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, बाय बाय।